साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं किज मीडिया। साथियों, जिस तरह से 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसको लेकर हम इसी के बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 26 जनवरी को जो कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो आखिर उस दिन क्यों नहीं राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। करीब 2000 करोड़ की लागत का ये राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। और वहीं पे करीब 800 करोड़ की लागत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ साथ लखनऊ में अंबेडकर पार्क बना, जो बहन जी के शासन काल में बना, उसको लेकर कई बड़ी बड़ी टिप्पणी कर रहे थे कि इतनी बजट लगाकर अंबेडकर पार्क को बना दिया और कहीं ना कहीं कोई अलग व्यवसाय बना देते या कोई रोजगार दे देते किसी को, तो माना जाता और किसी के रोजी रोटी चलती। तो जिस तरह से ये मंदिर बना रहे हैं, इसको आपको सब पता होगा कि मंदिर से आखिर कौन किसको फायदा होगा और किसको बेनिफिट होगा। मंदिर से जो कि जैसा कहा जा सकता है केवल भिखारी बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, और देश में अंधविश्वास और ज्यादा फैलेगा। इसके लिए हमारे साथ राजकुमार भाई को इसके ऊपर बातें बताएंगे, हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज को कुछ कहना। इसकी जगह मंदिर की जगह अगर स्कूल बनाया जाता तो उसमें शिक्षा मतलब दी जाती जी, बच्चों का भविष्य सुधरता जी, पर ऐसा नहीं हो रहा है ना जी। अब इससे क्या होता है, मंदिर बन रहा है जी, तो उसके पौड़े पे भिखारी बढ़ेंगे जी, और मंदिर में जो पुजारी होंगे उनकी कमाई होगी जी, ठीक है। हाँ, अगर ये उसकी जगह स्कूल बनता जी, तो उसमें छोटे जात के बच्चे जो हैं जी, या बड़े जात के हैं, तो उनको शिक्षा मिलती जी, तो जागरूक होते जी। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होता तो मतलब जो अंधभक्त अभी हैं जी वो सुधर जाते जी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आपको भली भांति पता होगा कि हमारे समाज में इतने गरीब समाज हमारा बिलोंग करता है, एसटी ओबीसी और एसटी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को बड़े बड़े विश्वविद्यालय तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं कि बड़े बड़े विद्यालय में उनको एडमिशन कराया जा सके, और उनके लिए इतनी फीस की बजट भी नहीं हो सकती है। तो इतनी लागत में 2000 करोड़ की लागत में राम मंदिर का उद्घाटन किया, इससे आखिर हमारे समाज का कोई फायदा नहीं है, इसके जगह पर कोई स्कूल का उद्घाटन करते। ये राजकुमार भाई ने सही एक आखिरकार बात कही है। इसके बारे में हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर मंदिर के जगह पर अगर स्कूल बनाते या कोई फैक्ट्री बनाती तो उसमें रोजगार भी मिलता, और हमारा समाज अगर स्कूल बनाते समाज के बच्चे पढ़ते और उनको शिक्षा मिलती, है ना जी। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, दो दीजिएगा और फिर बताएंगे राजकुमार भाई इसके बारे में। अब कहना क्या है इसके बारे में, अब जो हो गया उसको तो सरकार बदलेगी नहीं जी। अब 22 तारीख को उसका उद्घाटन कर रही है, 5 जनवरी को जी, ठीक है। 26 जनवरी को करती गणतंत्र दिवस था जी, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था जी, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, एसटी एससी ओबीसी जी के समाज लोगों की गलती है जी। अगर वो सुधर जाएं जी तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है। लेकिन हम ही नहीं सुधरने तो दूसरों के क्या करें जी। कुल मिला के कहीं ना कहीं से गलती हमारी ही आ रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, तो आखिर ऐसा शब्द आप किसके आधार पर कह रहे हैं? इसके आधार पर कह रहे हैं, अब मंदिर जाएंगे तो क्या होगा जी। मान लीजिए मैं 300 रुपये कमाता हूँ जी पर डे के जी, ठीक है। अगर महीने में यानी 9000 हुए जी, ठीक है, उसी में खाता हूँ जी, 3000 खा लिए, 6000 बचा लिया। अगर मन अगर कहीं घूमने चला गया, मंदिर चला गया, जैसे बहुत से लोग वैष्णो देवी जाते हैं जी, वहाँ जाने पे लमसम में 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो इतना हो गई होगा, ठीक है जी। तो अगर वहीं हम नहीं जाएंगे जी, वहीं या किसी को मतलब कोई रोजगार कर लें उससे या कोई और काम कर लें जी, तो हमारा मुनाफा ही होगा, ठीक है जी। उससे हमको 10 रुपये और मिलेंगे जी, ये आसरा होगा। और वहाँ जाके हमको खर्च ही करना है, वहाँ पे हमको कुछ मिलने वाला नहीं जी, ठीक है। केवल एक अंधविश्वास, हाँ, एक अंधविश्वास फैल रहा है कि वहाँ जाने से ये होगा, ये मिल रहा है हमको। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हैं, जैसे मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे कौन देवी देवता आकर खाना खिलाएगा जी, या मुझे देगा जी 10 रुपये देगा कि तुम अपना काम कर लो, ये कोई देगा नहीं, कोई नहीं देगा ना। बस ये केवल एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, वही है, और एक अपनी पार्टी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक जरिया बना रहे हैं। तो साथियों, ये सब कुछ था आज के वीडियो में। साथियों, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हों, आगे चल के अपने समाज के बारे में कुछ सोचें और अपने समाज के लिए कुछ करें। और इसी के साथ साथ ही एक छोटा सा आपसे अपील करते हैं साथियों, फिलहाल 14 अप्रैल से पहले पहले हमारे ग्राम में एक अंबेडकर पार्क की जमीन पड़ी थी, उस पर कुछ अवैध कब्जा था, उसको कब्जे को हमने फिलहाल छुड़ा लिया है, और उसमें अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित करनी है और उसकी कुछ पोजीशन बनवाएंगे, उसकी घेरवाई करवानी है। तो उसके लिए आपका जो योगदान देना चाहें, एक नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इस नंबर पर आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? बस जिसकी मर्जी हो दे सकता है योगदान, क्योंकि वो शिक्षा के काम में जाएगा जी। अम्बेडकर पार्क बनेगा, उसमें हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जी, कि वहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ सकें जी। ठीक है, वहाँ एक क्लास चलाई जाएगी जो मतलब कम से कम फीस में उपलब्ध होगा जी जी धन्यवाद। तो साथियों।